शिकार पे पहले जाते थे हम, तो जंगल में बना लेते थे, जंगल में तीतर मार लिया, खरगोश मार लिया, तो वहाँ बना के वहाँ ही बना बना के खा लेते, साबुत मसाला ले जाते, साबुत पटके बना लेते थे। अब कम छोटी सी दुकान है, ताज़ा ले आते हैं मटन चिकन, ताज़ा बना लेते, शाम को 10 बजे तक बेच के हमारे घर चल जाते। हुकम दौलत सिंह नाम है मेरा, मेरे को 35 साल से मीट बनाता हूँ। चूल्हा का जला दिया है, लकड़ी वकड़ी लगा के बर्तन रख दिया है, अब तेल डाला जाएगा। लोग हम तेल डाल रहे हैं अभी, तेल हुकम है 1.25 किलो तेल है। तो लिए दोस्तों, हमारे लाल मांस बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लकड़ी की आंच पे ये पकाया जाएगा, बिल्कुल गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए सर, जो पहले ना हांडी रखी गई है सबसे पहले, और इसमें सरसों का तेल जो है वो डाला गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्याज काटा जा रहा है। तो भैया कितना प्याज काट रहे हैं? 1.5 किलो के आसपास। 1.5 किलो के आसपास। और कितना मटन आज बनने वाला है? 8 केजी बनने वाला है। 8 केजी, क्या बात है। 8 केजी जो हमारा मटन है वो बनाया जा रहा है, और जो हमारे अंकल हैं दौलत सिंह जी, वो आज बना के हमें बढ़िया देसी सा लाल मांस जो राजस्थान का फेमस है वो दिखाएंगे किस तरीके से बनता है। अभी मेरे तो नई दुकान खोली हुई, 13 महीना हुआ है खोले ना, 10 तारीख को 13 महीना हो जाएगा। मटन चिकन सब बनाता हूँ, वैसे लाल मटन बना दिया, चिकन बना दिया, स्टू बना दिया, जंगली बना दिया, दबकस बना दिया, वाइट बना दिया, सब मीट बना देता हूँ। शाम को 5 बजे से कम 10 बजे तक खोलते हैं। जो आप बनाते हैं लाल मांस और सारी चीज़ें, वो लकड़ी की आंच पे ही बनाते हैं? हाँ, हुकम लकड़ी की आंच। अच्छा, गैस का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। अच्छा। गैस पे चपाती वपाती बनाता हूँ 7 बजे बाद में। अच्छा, क्या कस्टमर दूर से आते हैं ना, तो हुकम फिर उसके लिए दूर से कोई दूसरी होटल से रोटी लाओ और खिलाओ, तो मैं 7 बजे बाद में बना लेता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, चपाती मेरे को दूसरा ही पसंद नहीं है। तो मतलब चपाती वगैरह सिर्फ बनती है गैस पे, बाकी ये जो लाल मांस है, चिकन है, वो सब इसी में बनता है? इसी में बनाते हैं। अब हुकम नमक डाला जाता है इस तेल को फाड़ने के लिए। अब कालापन आ गया ना हुकम, तो नमक डालने से इसका जो कड़वापन है, कालापन निकल जाता हुकम, एकदम काला पड़ के फिर हुकम पाचा सफ़ेद हो जाता तेल, क्योंकि ग्रेवी हमारी पतली रहती है, ग्रेवी में स्वाद आता हमारी। लोग क्या करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं तो प्याज डालते हैं, टमाटर प्याज डालते हैं, हम दही की खटाई देते हैं, दही से बनाते हैं। कम डोडे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, अरे तेज पत्ता है, ये चार चीज़ डालते हैं। लोग कम डाल, ये प्याज डाल रहा हूँ कम, हुकम है अभी ना प्याज गरम मसाला डाला तो प्याज ब्राउन होएंगे ना, 10-15 मिनट लग जाएगी हुकम। अब हुकम छोटी सी दुकान है, ताज़ा ले आते हैं मटन चिकन, ताज़ा बना लेते, शाम को 10 बजे तक बेच के हमारे घर चल जाते। अब बड़ी दुकानों में तो हुकम रहता है 5-4 आदमी रखो, वो रखो, पलेटा लगाओ, वो लगाओ, भाई लोग बाहर से आते हैं तो टेबल कुर्सी लगा देते, 4-5 कुर्सी रख रखी है, और जिमा देते हैं। अरनीस आपने बताओ, हम पैकिंग का काम है हमारा, पैकिंग करते हैं। शुरुआत में तो मैं जैसे खोला था जिस दिन, तो मैंने 2-2 4-4 किलो बनाया था, 4-4 किलो माल बनाया था। फिर धीरे 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 मेरे 2-1 महीना तो मेरे 4-1 किलो बनाता था मटन, 4 किलो चिकन। फिर मेरे वीडिया होने लगा, बटा बाद में मेरे 8-10 किलो माल निकल जाता, 7-8 किलो चिकन निकल जाता है, 10-12 किलो मटन निकल जाता है। सर्दियों में मेरे 15-1 किलो मटन निकल जाता था, 10-1 किलो चिकन निकल जाता था। गर्मियों में कम हो जाता? हाँ, गर्मियों में थोड़ा कम होगा। जैसे आज संडे तो 8 किलो मटन बनाया, 8 किलो निकल जाएगा, टाइम से निकल जाता, 9 बजे पहले निकल जाता है आपने। तो लोग यहाँ पे मटन ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, मटन ज़्यादा करते हैं। तो जैसे राजा के रेसिपी थी ना, वैसे बनाता हूँ, क्योंकि वैसे ही माल बनाता हूँ बाहर। आप देखना, आप वीडियो बना रहे हो तो आप देख लेना, वैसे ही बनाऊँगा। मारवाड़ी बनाता हूँ खाना, मारवाड़ी मीट बनाया, और वैसे पसंद करते हैं लोग बाग। तरी मेरी पतली होती है मटन की, या चिकन की, दोनों की। पर लोग बाग आते हैं तो कहते हैं, मटन बोले आप रहने दो, चिकन वो इसकी तरी डाल दो, हमारे को तरी जीम लेंगे, तरी हमारी स्वाद बनती है,
क्योंकि हम पानी साथ ही डाल के अच्छा बनाते हैं, पूरा पानी भी उकालते हैं, उनको उकाल के बनाते हैं ऐसा। और जैसे प्याज भी आप बहुत कम डाल रहे हैं तो मतलब गाढ़ी नहीं होती होगी? हाँ, गाढ़ी नहीं होती है। फिर वो क्या हो, तुम ज़्यादा प्याज डालने से मीठा मीठा स्वाद आता है, तो फिर होटल में और हमारे में क्या फ़र्क दिया होगा? तो हमारा तो मारवाड़ी खाना है तो मारवाड़ी बनाते हैं ऐसा है। देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो प्याज है ना वो हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लगभग 5-7 मिनट हुए हैं उनको अभी फ्राई करते हुए, और हल्का हल्का जो कलर है वो आने लगा है। अभी 5-7 मिनट और फ्राई करेंगे अच्छे से, तब ये धीरे धीरे जो डार्क कलर का ब्राउन होता है ना वो हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे फिर। और कितने समय से, मतलब कितने टाइम से ये बना रहे हैं आप? मतलब ये तो चलो दुकान को आपको 1 साल हुआ। हाँ सर, मगर 35 साल से हुक्म बना रहा हूँ मैं। पहली राजघराना बनाया था मैंने, राजघराना बाद में मैंने नौकरी करी थी मेघराज सिंह जी के, तो उनके भी मीट ही बनाता था, मीट का काम था मेरा, तो 35 साल से मीट ही बनाता हूँ। कोई सा मीट बनवा लो, अब खरगोश विरगोश अरे तीतर इतर इनकी तो सब बंद हो गए, मैं सब बनाता हूँ। हाँ, शिकार पे पहले जाते थे हुकम, तो जंगल में बना लेते थे, जंगल में तीतर मार लिया, खरगोश मार लिया, तो वहाँ बना के वहाँ ही बना बना के खा लेते, साबुत मसाला ले जाते, साबुत पटके बना लेते थे। बहुत बढ़िया। हाँ। और लोगों को कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा लगता है लोगों को? अच्छा है हुकम, मेरा बहुत अच्छा है। आपने तुम भाई लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, तो जब मेरे वीडिया बनने लगे ना तो मेरी छोटी सी दुकान है हुकम मेरा अच्छा हो जाता है। हाँ हुकम, हम 10 और 12 के बीच में मटन लेते हैं, तो आ तो नली हो गई, आ चाँप हो गई हुकम, आ गर्द आ फिर नली हो गई, गोल पीस हो गए, गर्दन हो गई, ये पीस लेते हैं। 4 तरह का पीस लेते हैं हुकम, चाँप, नली, गर्दन और गोल पीस। और मटन डाल रहे हैं हुकम है ना, हाँ हुकम हल्दी डाल रहा हूँ, और नमक डाल रहा हूँ, अब मिर्ची पाउडर डाल रहा हूँ, धनिया पाउडर डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, सब डाल दिया, रुको मैं अब ढक दूंगा इसको, अब इसको मैं आध घंटा बाद में कर लूँगा। प्राइस है हुकम 270 का 3 पीस मटन का देते हैं, 550 का 6 पीस देते हैं, 1100 का 12 पीस देते हैं, चिकन 150 का 3 पीस देते हैं, 300 का 6 पीस देते हैं, 800 का कुल 12 पीस देते हैं। किम्स रोड, वैशाली नगर, आकाशवाणी गेट के पास में, ठंगाना लालमा। अब हुकम लहसुन डालूँगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा हुकम, 15-20 मिनट हो गई डैन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो लगभग दोस्तों 10-15 मिनट तक ना मटन को अच्छे से पकाने के बाद इसमें डाला गया है लहसुन और अदरक, अदरक भी था। हाँ सर, अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों डाला गया। हाँ सर, देखिए अभी चेक भी किया जा रहा है कि मटन पका है कि नहीं। हुकम जैसे कसर कितनी है, इसमें 5-7 मिनट की और कसर है। हाँ सर, हुकम दही डाल रहे हैं, दही डाला जा रहा है, दही डालते ही हमारा जो मटन है ना वो बिल्कुल रेडी है सर, कि अभी थोड़ी देर और नहीं, पकाना है? 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम है, मतलब 2 मिनट तक इसको और पकाना है अच्छे से, उसके बाद जो हमारा मटन है लाल मांस वो बिल्कुल तैयार है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस था दोस्तों, देखने में मज़ा आया, लकड़ी की आँच पर धीमी धीमी आँच में इसको पकाया गया, सारे मसाले डाले गए, उसके बाद 15 मिनट छोड़ा गया, फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला गया, उसके बाद एंड में डाली गई है दही,
जो इसको जो स्वाद है ना उसको चार चांद लगाने वाले भाई। तो बस 2 मिनट का इंतजार और उसके बाद खाने को मिलेगा सर? हाँ सर जरूर। चलिए अब टेस्ट करेंगे और देखेंगे जो बनाया है सर ने इतना लाजवाब लाल मांस। अच्छा एक बात और, इसका कलर चेक कर सकते हो दोस्तों, क्या जबरदस्त आया। ये जो मिर्च डाली है हमने उसकी वजह से आया मुझे लाल कलर आया है। मिर्ची डाली है हम आपके सामने, जो मिर्ची डाली है उसका कलर है पूरा। तो मतलब ये तीखा होगा या नॉर्मल होगा? मतलब तीखा होगा, ज्यादा तीखा भी नहीं तो मतलब मीडियम रहेगा। बहुत बढ़िया जी, चलिए इसको अब निकलवाते हैं और इसको करते हैं टेस्ट। तो जनाब देखा क्या बढ़िया तरीके से दौलत सिंह जी ने जो मटन है उसको बनाया है, नाम है इसका लाल मांस। और स्ट्रीट फूड को दोस्तों स्ट्रीट फूड ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये ना असल में स्ट्रीट के किनारे बैठ के जब खाया जाता है ना जो उसका मज़ा है वही है असली स्ट्रीट फूड है ना। तो फिलहाल हम बैठ गए हैं और जो ये दुकान है ना बिल्कुल स्ट्रीट पर ही है, कभी आप आएँ जयपुर तो सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आराम से आइएगा मज़े उठाइएगा। फिलहाल हम उठाते हैं मज़े और ये देखिए ज़रा, आह हा क्या बात है, ये देख रहे हो मटन की प्लेट। ओहो हो भाई, जयपुर जोधपुर सब जगह हमने इतने सारे मटन खाए ना कि क्या ही बताऊं। ये देखो ये है चाप का पीस, क्या बात है। और ये आ गया हमारे नली वाला पीस। ओहो हो बहुत बढ़िया। और ये जो रोगन चेकआउट करो ज़रा, रोगन देख रहे हो, ये सारा का सारा रोगन जो है ना सरसों तेल का है। और इतना लाल क्यों लग रहा है दोस्तों? ये लाल कलर डालेंगे वैसे नहीं लग रहा, ये लाल लग रहा है दोस्तों मथानिया मिर्च की वजह से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जब भी लाल मांस बनाया जाता है ना उसमें ना आपको मथानिया मिर्च का यूज़ किया जाता है ना। तो मथानिया मिर्च होती क्या है बेसिकली, मथानिया एक जगह है राजस्थान में वहाँ पे मिलती है। उससे उसका क्या फ़ायदा है मतलब वो कैसे यूज़ की जाती है लाल मिर्च? होती इसलिए कि ना उसमें कलर जो होता है ना बिल्कुल लाल कलर देता है और हल्का सा तीखापन देता है ना। तो सबसे पहले तो ये चेकआउट करते हैं कि जो ये मटन है हमारा नली वाला मटन कैसा पका है। तो आ जा ओ देख रहे हो क्या ज़बरदस्त हमारा ये जो मीट है पका है। ओए होए और कलर देखो अंदर से बिल्कुल पिंक। तो इसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें ना ये जो रोगन वाली जो ग्रेवी है ना वो लगाते हैं एक बार, तभी मज़ा आएगा है ना। आओ, और देखने में तो बिल्कुल चटक तीखी लग रही है पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। निकल सर इसमें मथानिया के साथ साथ दूसरी जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वो भी मिलाई गई है, क्योंकि स्पाइसी तो है नो डाउट, स्पाइसी बहुत है, मगर हाँ उसी के साथ साथ ना बिल्कुल हल्की फुल्के मसालों में लग रहा है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए, बिल्कुल कम डाले गए थे। और जो ग्रेवी है ना वो भी बहुत पतली बनाई गई थी, बिल्कुल तरी देखो आप किस तरीके की, बिल्कुल पतली। और ये इसलिए है जो पतली है क्योंकि इसमें जो प्याज है ना, जैसे कि 8 किलो 10 किलो जैसे मटन लिया गया उसमें सिर्फ 1.5 किलो के करीब प्याज डाला गया था, तो जो ग्रेवी है वो बिल्कुल पतली बनी, गाढ़ी नहीं हो पाई है ना। तो इसी तरीके का मटन यहाँ मिलता है। अब आइए सबसे पहले ना आप रोटी के साथ ज़रा शुरुआत करें, और रोटी आपको पता है राजस्थान में किस तरीके से खाई जाती है, चूर चूर के है ना। तो इसको ना पहले मैं तोड़ लेता हूँ, ये देखो, तो ये मैं पहले ही तोड़ लेता हूँ और उसके बाद ये साइड में रखते हैं पहले, और उसके बाद जो मटन है वो लेते हैं, थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना ये देखो ज़रा, देख रहे हो वो डालते हैं जी, ये देखो ये डाला और अब इसको अच्छे से मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा इस तरीके से मिलाने से क्या होता है ना, जो जूसेस है ना वो रोटी में अच्छे से मिल जाते हैं, रम जाते हैं है ना, और उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काली मिर्च भी देखी उन्होंने डाली थी, तो काली मिर्च तो मैं साइड कर देता कि वो तीखे पे ना और सुहागा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा है भाई। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। और रोटी में मिलाने की वजह से इसका जो तीखापन है थोड़ा कम हुआ, क्योंकि रोटी प्लेन थी और ग्रेवी जो थी वो इसमें अच्छे से सोख ली गई, तो बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। ये मटन जयपुर में वन ऑफ द बेस्ट हो गया है ना, जितने भी मटन वगैरह खाए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर में है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी हम खा रहे थे ना प्याज वाली ग्रेवी थी, गाढ़ी वाली ग्रेवी थी, उसका स्वाद डिफरेंट है, इस वाले का स्वाद बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल जो गाँव में बनती है ना प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आ रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रोटी लेते हैं और एक बार ऐसे भी खा के देख लेते हैं, मटन का पीस, एक चाप भी लेते हैं यार, चाप में तो फ्लैश बड़ा ज़बरदस्त होगा, ये देखो वो। और आपको पता है मेरे को तीखी चीज़ें कितनी पसंद है,
तो भाई साहब ये बिल्कुल मेरे फ्लेवर वाला है। मजा आ गया। असली दौलत ना दौलत सिंह की ये है, ज़बरदस्त है दोस्तों, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है। आप यहाँ हो गए ना बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो गए। हालाँकि छोटी सी दुकान है मगर जो स्वाद का धमाका हुआ ना वो बहुत बड़ा है, मज़ा आ गया। आइए यहाँ पे, जब कभी भी जयपुर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जयपुर जोधपुर की हमने बहुत सारी वीडियो शूट करी है, वो भी देखिए, उसके भी मज़े उठाइए, और ये तो मज़ेदार है ही। तो अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं चटकारे लेता हूँ इस चटपटे मटन के, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।